हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विद्यालक्ष्मी कोचिंग। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए आज क्लास 9 एक्सरसाइज 2.5 जो 11 से लेकर आई है। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हम क्वेश्चन दे रखे थे, गुणन खंडन कीजिए 27x³+y³+z³-9xyz। तो देखिए यहाँ पर एक हम फार्मूला लिख दिए हैं। फार्मूला तो आप लोग को पहले बता चुके हैं। देखिए इस तरह आपका नहीं है। देखिए तो a³ इसको पूरा a³ मान लेते, फिर b³, फिर +c³ और माइनस 9xy को 3ab में कन्वर्ट करते हैं। देखिए कैसे अभी जो बनाएंगे तो क्लियर हो जाएंगे। देखिए हम लोग जानते हैं कि 3 का क्यूब करेंगे 27 हो जाएंगे, यानी 3 * 9 = 27। तो हम लोग 3x का क्यूब कर सकते हैं प्लस ये तो y³ का है, ये है सिर्फ y³, फिर वो भी है z³। ओके चलो इसको माइनस। अब आपको क्या लेना है, 3ab ना, तो 3a b और c लेना है। देखिए 3 तो लेना ही है, 3 3। अब a इसको मान लेते, b इसको मान लेते, c इसको मान लेते। तो a मेरा क्या है 3x और b y और c आपका z। देखिए तो आ रही है 3 * 9 = 27 x²+y³+z³- 3 * 9 xyz। ओके जब इतना आ गया तो हम लोग ये फॉर्मूला पुट कर देंगे तो आंसर निकल जाएंगे। तो चलिए a + b + c, यानी ये a हो गया, b हो गया, c हो गया। तो हम लोग कर सकते हैं 3x + y + z a b c। ओके फिर ब्रैकेट इसको ले लेते, बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए a² मतलब 3x² +b² y² + c² मतलब z² फिर माइनस a b मतलब 3x और y, फिर माइनस bc मतलब y और z, फिर माइनस ca तो आपका हो गया z और 3x ना। ओके तो देखिए ये वाला टर्म नहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके तो चलिए इसको सेम रखिए 3x + y + z और इसको भी सेम रखिए। देखिए क्या करें, इसको तो ही रखेंगे 3x² + y² + z² माइनस 3 * xy। तो 3xy हम लोग कर सकते हैं, -yz से हम रखेंगे और -3xz, तो 3xz यही आपका आंसर। फिर अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फिर चलिए फिर हम लोग बढ़ते 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखो 12 नंबर क्वेश्चन देकर सत्यापित कीजिए, यानी आपको प्रूफ करना है। और क्वेश्चन है x³+y³+z³-3xy = 1/2x + y + z, फिर ब्रैकेट a - x - y² + y - z² + z - x² यानी देखिए आपको दे रखे है कि इसके इक्वल यह है ना। तो हम लोग LHS इसको मान लेते हैं, ठीक है, और RHS आपका निकल जाएंगे तो ये प्रूफ्ड हो जाएंगे। तो चलिए LHS हम लोग सेम लिख डालते हैं। क्वेश्चन टू 1/2x + y + z, फिर x - y² + y - z² + z - x² यही है ना। तो इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि a - b² क्या होते हैं ना। तो देखिए a - b² होते हैं a² + b² - 2ab, यही होते हैं ना। तो इसको a मान लेते, इसको b मान लेते, मान a - b² a² + b² - 2ab, ठीक है। तो देखिए इसको तो सेम उतारेंगे 1/2 और x + y + z। अब ये a - b² है तो a - b² a² + b² तो a² + b² - 2ab, फिर हो गया। इसको फिर करते हैं a² इसको ब्रैकेट में रख भी सकते हैं, चलिए रख दीजिए। फिर a - b² तो a² + b² मतलब z² और -2ab। ओके फिर देखिए a - b² माने z² + b² मतलब x² - 2ab, तो 2ab
और क्या हो गया जेड और एक्स। ओके अब देखिए फिर इसको सेम रखते ही एक बटा दो को एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब देखिए इसको कैलकुलेट करते ही एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, ब्रैकेट को हटा देते हैं, फिर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस टू वाई जेड, ब्रैकेट हटा दिए, सॉरी यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस होंगे, ओके प्लस, फिर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू, ये टू है और एक्स वाई जेड। फिर देखिए इसको सेम उतारेंगे एक बटा दो, एक बटा दो एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो और कोई पॉजिटिव में एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स मतलब प्लस प्लस प्लस, तो हम लोग दो एक्स स्क्वायर कर सकते हैं, फिर वाई स्क्वायर और कोई यहाँ पर वाई स्क्वायर और कोई नहीं है, यानी हम लोग टू वाई स्क्वायर कर सकते हैं, फिर जेड जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो प्लस टू जेड स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस टू एक्स वाई माइनस टू एक्स वाई, फिर माइनस टू वाई जेड, फिर माइनस टू एक्स जेड। ओके तो फिर देखिए इसमें सब में आपका दो दो है तो दो को कॉमन ले सकते हैं, तो इसको तो सेम उतारेंगे एक बटा दो एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए सब में दो दो है ना, तो हम लोग दो को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं माने गुना है तो दो दो ले लिए, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा वाई स्क्वायर बचा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस एक्स जेड, यही बचा ना। तो देखिए आपका दो दो कैंसिल हो गया ना, तो आपका बचा किया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इधर भी उतार दीजिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस एक्स जेड, यही बचा ना। तो देखिए इधर आपका एक्स एक और एक्स यहाँ पर गुना है, तो एक को एक्स और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएंगे, फिर वाई क्यूब हो जाएंगे, फिर जेड क्यूब, तो एक दो तीन यानी थ्री एक्स वाई जेड, थ्री एक्स वाई जेड, यहाँ पर आपका जेड है ना, यहाँ पर आपका जेड है, प्रूफ करना है ये क्वेश्चन जेड होंगे। तो चलिए तो फिर हम लोग लिख सकते हैं यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ओके, और क्या माइनस माइनस थ्री एक्स वाई जेड हम लोग कर सकते हैं, थ्री एक्स वाई जेड, यही हो गया आपका आर एच एस ना। तो जब एल एच एस और आर एच एस ये जब प्रूफ हो गया तो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं क्या, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, यही हो गया आपका प्रूफ। ओके आई होप आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।